जय हिंद स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट बायोलॉजी क्लास 10। तो बायोलॉजी क्लास 10 में मैंने आपको दो वीडियो पहले समझा चुकी थी, जिसमें कि आपका लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है, इसके अलावा रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस होता है, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आई होप आप सभी देख चुके होंगे, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे तो इसे पढ़ने से पहले उन वीडियो को देख। तो सबसे पहले अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन अ सब्सटेंस व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूजेस इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन हम कुछ ऐसे सब्सटेंस को सराउंडिंग से, मीन्स आउटसाइड द बॉडी, अपने सराउंडिंग से कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करना, कुछ सब्सटेंस को ऑब्टेन करना, जिससे कि हम अपनी बॉडी के डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, दोबारा समझा रही हूँ, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है आपका कि आउटसाइड द बॉडी मीन सराउंडिंग से, अपनी सराउंडिंग से कुछ सब्सटेंस को इनटेक करना, जिससे कि हमें एनर्जी मिले और उस एनर्जी का यूज करके हम डिफरेंट बॉडी के जो टिश्यू है और ऑर्गन्स है उनका फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक एग्जाम्पल हम बात करते हैं न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल की बात करें तो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल में आपका क्या आता है? एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपका प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ठीक, मिनरल्स, ये सभी आपके किसमें आते हैं? न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो ये प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? आउटसाइड द बॉडी, जैसे कि आप किससे इंटेक करते हैं? पल्सेस वगैरह से हम इंटेक करते हैं किसे? प्रोटीन को। और प्रोटीन क्या करता है? हमारी बॉडी में हमारी स्किन के फॉर्मेशन के लिए, आपकी हेयर के लिए, हेयर प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हेयर की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है, क्या रेस्पॉन्सिबल होता है आपका? प्रोटीन। तो आपके न्यूट्रिशन क्या है? कुछ ऐसे सब्सटेंस जो हम आउटसाइड द बॉडी सराउंडिंग से इंटेक करते हैं और उन्हें इंटेक करने के बाद उससे हमें एनर्जी मिलती है और हम हमारी बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, उनका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि मैं न्यूट्रिशन आप समझ गए हैं और न्यूट्रिएंट्स एग्जांपल भी समझ गए कि न्यूट्रिएंट्स में आपके क्या आते हैं? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, ये सब आपके किस में आते हैं? न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ये सब हम कैसे इंटेक करते हैं, जो फूड है फूड को हम कैसे इंटेक करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है आपका द वे इन विच वी इंटेक अवर फूड, एक ऐसा तरीका जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपने फूड को इंटेक कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? सबसे पहले पढ़ते हैं आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन द वे टू ऑब्टेन द फूड, एक ऐसा तरीका जिससे कि हम फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका कितने टाइप का होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली सबसे पहले होता है आपका टू टाइप का। ठीक है, फर्स्ट टाइप कौन सा है आपका? ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा है आपका कौन सा? हेटरो, हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, तो बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मीन दिखाई दे रहा है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ऑटो, ऑटो, और दूसरा आपका किससे मिलकर बना है? ट्रॉफिक, ट्रॉफिक। ठीक है, ऑटो का मीन क्या होता है? सेल, सेल। ठीक है, वो ऑटो नहीं जिसमें आप बैठ के जाते हैं, मैम ऑटो का मतलब तो अभी ट्रांसपोर्टेशन, वो नहीं है। ऑटो का मीन क्या होता है आपका? ऑटोमेटिक, सेल। ठीक है, और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है आपका? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। ऑटो मीन सेल एंड ट्रॉफिक मीन न्यूट्रिशन। तो एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो
ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज कर लेते हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। और कौन सी प्रोसेस से सिंथेसाइज करते हैं आपके? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन, वो अपना फूड अपने आप बना लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपके? ऑल ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट। तो आपके जो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट का वो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो करते हैं? ऑटोट्रॉपिक और हेट्रो, ये दो वर्ड से मिलकर बना लेगी हेट्रो, हेट्रो। और दूसरा क्या है? ट्रॉपिक। हेट्रो का मीन्स क्या है आपका? हेट्रो का मीन्स होता है अदर। और ट्रॉपिक का मीन्स जस्ट जल्दी जल्दी हाँ ये लिखकर क्या ना मतलब होता है? मीन्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। तो जो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज नहीं कर पाते और अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं आपका? हेट्रोट्रॉपिक मोड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन जाते टू ऑप्टेन अवर फूड, एक ऐसा तरीका जिससे कि हम अपना फूड ऑप्टेन करते हैं वो कहलाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कितने टाइप का है? ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मीन्स द कैपेसिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट। हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक क्या है आपके? दे हैव नॉट कैपेसिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। जो अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते और अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके? हेट्रोट्रॉप। और हेट्रोट्रॉप के आपके एग्जांपल क्या है? इसके आपके एग्जांपल है एनिमल। कौन है? एनिमल, ठीक है। जैसे डॉग है, कैट है, ह्यूमन है, हम सभी है, ठीक है। तो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मीनिंग क्या होता है? सिंथेसाइज का मीनिंग है आपका यहाँ पर जो प्लांट्स हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। प्लांट्स क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अपना फूड कौन सा? क्लोरोफिल। कौन सा आपका? ग्लूकोज। अपना फूड क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पढ़ चुके हैं आप फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक इस टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करते हैं। एग्जांपल है ग्रीन प्लांट। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं आपका? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब है आपका कि ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक में, हेट्रोट्रॉपिक के भी आपके कुछ अदर पार्ट, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हेट्रोट्रॉपिक के आपके कौन से पार्ट हैं? तो हेट्रोट्रॉपिक को फिर से हमने कैटेगराइज किया है तीन कैटेगरी, इसमें है तीन कैटेगरी। जिसको नहीं किया हुआ ऑटोट्रॉपिक को, हेट्रोट्रॉपिक में सबसे पहले है आपका सेप्रोट्रॉपिक, इसे सेप्रोफिटिक भी लिख सकते, और दूसरा है आपका पैरासिटिक, और थर्ड है आपका होलोजॉइट, होलोजॉइट न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को थ्री में डिवाइड किया है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजॉइट न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। सेप्रो, सेप्रो का मीनिंग होता है आपका डिकेइंग का मतलब रॉटन, सड़ते हुए, गलते हुए, ठीक है। और ट्रॉपिक, ट्रॉपिक का मीनिंग क्या है? न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आपका डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, रॉटन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से
food obtain करते हैं, they are called saprophytic and mode of nutrition is called saprophytic mode of nutrition. ठीक है, saprophytes क्या होते हैं, जो dead and decaying organic matter पर survive करते हैं. कौन है, they survive on, dead and decaying organic matter. जो dead and decaying organic matter पर survive करते हैं वो आपके क्या होते हैं, saprotrophic होते हैं. और saprotrophic का example सभी जानते हैं, चलिए हम बता देते हैं. कौन है इसका example, इसका example है आपका fungus, ठीक है, बैक्टीरिया. इसका एग्जाम्पल है फंगस. जैसे कि सड़ते गलता कोई भी मटेरियल हो, आपके घर में पड़ी हुई ब्रेड, रोटी, अचार, ठीक है, या फिर फूड, ठीक है, इन पर आपने देखा होगा कि ग्रीन ग्रीन से कलर की फंगस लग जाती है, येलो से कलर की, व्हाइट से कलर की, तो वो सब क्या है, वो सभी फंगस कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन मूव कर रही है, सैप्रोट्रॉफिक, क्योंकि वो किस पर, सड़ती हुई लकड़ी पर, सड़ते हुए पिकल पर, सड़ती हुई ब्रेड पर, इस पर क्या कर रहे हैं आपके, सर्वाइव कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल भी आपका, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसी कौन सी फंगस है जिसे आप खाते हैं, सोचिए फंगस को आप खाते हैं बड़े स्वाद के साथ, ठीक है, अच्छी भी लगती है घर, तो वो फंगस है जिसे हम खाते हैं वो है आपकी मशरूम. इडेबल फंगस कौन सी आपकी, मशरूम. ठीक है, वही मशरूम जो बोलते हैं ना डॉगी कहीं पर वो छिछी कर आता है वहां पे उगाती है, कुकुर मुत्ता हिंदी में. ठीक है, तो जो मशरूम है आपका, तो मशरूम आपका एक इडेबल फंगस है जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर क्या करता है, आपका ग्रो कर जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका पैरासिटिक. ठीक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासाइट क्या है आपके, जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर सर्वाइव करते हैं. ठीक है, दे लिव ऑन लिविंग, जैसे हम बोलते हैं होस्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए सर्वाइव कर लेते हैं, दे सर्वाइव ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ऐसे आपके ऑर्गेनिस्ट जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिस्ट के ऊपर क्या करें, सर्वाइव करें, वो क्या कहलाते हैं आपके, पैरासाइट कहलाते हैं. और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है आपका जो किसी लिविंग होस्ट पर रहे, जैसे कि आपका लीसेस जुए हो जाते हैं ना, मेरे नहीं है, ठीक है, तो जुए हो जाते हैं जो आपके बालों में, वो एक पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. पेट में कीड़े हो जाते हैं, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, ठीक है, ये सभी आपके क्या है, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म किसके हो रहे हैं, आपके अंदर हो रहा है, आप कैसे हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, पैरासाइट. और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, या तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम कहते हैं. चलिए एग्जाम्पल इसके आप सभी को पता है, अभी जस्ट मैंने बताया, टेप वॉर्म, पेट में कीड़े हो गए, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म, ठीक है, ये एक्सेट्रा. और जिस पर ये सर्वाइव करते, जिस लिविंग होस्ट पर सर्वाइव करते, उस लिविंग होस्ट को हम क्या कहते हैं आपका, जिस पर सर्वाइव करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं आपका, होस्ट कहते हैं. ठीक है, एक प्लांट भी है जो कि पैरासाइट की तरह वर्क करता है. प्लांट पैरासाइट कौन है, प्लांट पैरासाइट है आपका कसकुटा. कसकुटा मीन्स अमर देव, अमर देव. ठीक है, ये प्लांट है लेकिन पैरासाइट की तरह आपका क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है. अब बात करते हैं फॉलो जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. कसकुटा सभी को दिखाई दे रहा है, मैं इसे ऊपर ले दी, ठीक है, इसका प्लांट, प्लांट पैरासाइट कौन सा है आपका, कसकुटा, जिसे हम बोलते हैं क्या है, अमर देव. ठीक है, समझ गए. अब आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, द ऑर्गेनिज्म दे इनटेक सॉलिड फूड,
ये कैसा इंटेक करते हैं आपका, दे इंटेक, दे इंटेक सॉलिड फूड मटेरियल, जो आपका सॉलिड फूड मटेरियल इंटेक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद किसकी प्रोसेस होती है इनमें, डाइजेशन की, डाइजेशन की प्रोसेस होती है। और ये आपका फूड को क्या कर लेते हैं, फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब, ठीक है। वो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर पूछा जाता है तो वो आपका कौन सा है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल में आपके कौन आते हैं, इसके एग्जाम्पल में आता है आपका ह्यूमन, कैट, डॉग, ठीक है, ये सब। समझ में आया थी बात। तो आपका सबसे पहले आज न्यूट्रिशन पढ़ा, न्यूट्रिशन इज अ वे टू ऑब्टेन फूड, फूड को ऑब्टेन करने का तरीका। दो टाइप का ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक का मीन जो अपने आप अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं, दे हैव अ कैपेसिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड द एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज प्लांट। एंड सेकेंड इज हेटरोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ क्या होते हैं, दे हैव नॉट अ कैपेसिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड हैबिटेट, जस्ट एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग, कैट। हेटरोट्रॉफ को फिर से कैटेगराइज किया हुआ है तीन कैटेगरीज में, फर्स्ट इज सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड फोलोजाइक। सैप्रोफाइट क्या होती है, दे सर्वाइव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दे सर्वाइव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया एंड फंगस। पैरासाइट द ऑर्गेनिज्म, दे कैन सर्वाइव ऑन अ लिविंग होस्ट, the organism they can survive on a living host are called parasitic mode of nutrition, example aapka roundworm, tapeworm, lice, etc. and phylogenetic nutrition, phylogenetic nutrition, the organism they intake solid food and the solid food is digested and they absorb food material. जैसे हम लोग ह्यूमन, हम लोग क्या सॉलिड फूड इनटेक करते हैं, फिर आपका ब्रेड हुआ, चपाती वगैरह है, ठीक है, इनको हम खाते हैं और उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है और सारा का सारा जो भी आपका न्यूट्रिशन है वो हम क्या कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ये आपके टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। और इसके लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। ओके बेटा, बाय।